मैं हूँ राजन, आप देख रहे चैनल राजस्थान फिटनेस। आज मेरे साथ है शैलेंद्र जी, ये मेरे जिम में प्रैक्टिस करते हैं और ये मेरे पास डाउट लेके आए। सो वीडियो का आप सभी लास्ट तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ से। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, उससे मुझे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसे कि शैलेंद्र जी मेरे पास आए हैं, उनका डाउट है वो एक सप्लीमेंट यूज कर रहे थे जिससे कि उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है। सो वही डाउट लेके आए कि ऐसा कारण क्या है कि जिसके कारण मेरा ऐसा हुआ है। तो शैलेंद्र जी आप बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आप थोड़ा मायूस है। सो बताइए आपका कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, XXX सप्लीमेंट एक करके आता है जो कि मैंने वो थ्री मंथ लिए थे सप्लीमेंट। थ्री मंथ सप्लीमेंट लिए थे। सो टाइम और सो ये नोटिस करनी चाहिए, 3 मंथ्स लिए तो सप्लीमेंट, ठीक है। फिर और उसके बाद मैंने 3 मंथ रेगुलर प्रैक्टिस की, सुबह शाम प्रैक्टिस की, 2 टाइम प्रैक्टिस की मैंने, और शरीर उस तरह अच्छा खासा शरीर बन गया, देखने लायक शरीर भी हो गया, अच्छा लगने लगा। लड़के लोगों भी बोल रहे हैं कि शरीर अच्छा खासा लग रहे हो, बस अब इतना ही रखो, शरीर इससे ज़्यादा और बढ़ाना नहीं है, इससे ज़्यादा शरीर खराब लगेगा। लोग कह रहे हैं, जितने जिम के फ्रेंड्स है वो भी कह रहे हैं कि इतना काफ़ी है। तो मैंने फिर स्टॉप कर दिया, सप्लीमेंट भी स्टॉप कर दिया 3 मंथ के बाद। और उसके बाद फिर वही अपना रूटीन, जैसे कि डेली सुबह को नाश्ता जैसे वगैरह कुछ भी अपना डाइट में कुछ भी ले लेते थे सुबह को, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, कुछ भी खा लेते थे अपना टाइम, जैसे कि आम इंसान जो भी कुछ भी खाता है, जैसे सुबह दोपहर शाम रात किसी भी वक्त, ठीक है, 4 टाइम 5 टाइम जितना खाता है खाता सब। उसके बाद क्या हो गया, फिर डेली मतलब कि दिन के दिन मेरा शरीर नीचे गिरते गए, पूरा डाउन हो गया। पहले जैसे तब से बदतर। वेट तो अच्छा खासा 7 से 8 kg गेन हो गया था, लेकिन फिर भी डे बाई डे तीन महीना इसने सप्लीमेंट यूज किया है, 7 से 8 kg इसने गेन भी किया। फिर उसके बाद डे बाई डे उससे मतलब जितना वेट था मेरा, और डाइट के नॉर्मल जो घर में खाता था वही, बस उससे ज्यादा जो नॉर्मल इंडियन फैमिली, जो रोटी चावल फैमिली में जैसे नॉर्मल खाना खाया जाता है, बहुत हाई प्रोटीन कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं, हाई प्रोटीन नहीं, काफी से खूब ज्यादा भी नहीं, नहीं जैसी नॉर्मल खाते 3-4 रोटी जैसे भी कुछ भी वैसे खाते थे। तो वैसे दिन के दिन पूरा वेट पूरा लॉस होते चल गया, जितना वेट था उससे भी बदतर हो गया वेट, उससे भी खराब वेट हो गया, और उससे भी मतलब वीक हो गया बॉडी, पूरा कमज़ोर हो गया, और इतना कमज़ोर हो गया कि ना अच्छा से चल पाते थे, और बॉडी भी पेन अच्छा खासा रहता था कि सुबह मतलब कि मॉर्निंग उठने से भी सुबह का टाइम उठने से भी यानी शरीर पैर पूरा दर्द रहता था। मैं ये सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये सप्लीमेंट ऐसा क्यों, मतलब कैसे हो गया ऐसा सप्लीमेंट का प्रॉब्लम। अच्छा, सो ये हम राजेश भाई से पूछना चाहते हैं। सो थोड़ा सॉरी इसके लिए कि थोड़ा मेरा कफ है, थोड़ा तबीयत खराब है। सो लेकिन जैसे कि मेरा दोस्त शैलेंद्र आया मेरे पास, तो मेरा कर्तव्य कि उनको मैं हेल्प करूँ, उनको एजुकेट करूँ कि कारण क्या है। सो दोस्तों सबसे पहले आपको तो ये चीज़ देखना चाहिए कि आप कौन सा सप्लीमेंट ब्रांड ले रहे हैं। एक ब्रांड बोल के भी चीज़ होती है, आप चाहे मास, आपका मास गेनर था ना, XXX महामास तो एक मास गेनर है। सो कोई भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो सबसे पहले आप उसका ब्रांड देखें, मतलब एक ब्रांड तो ब्रांड होता है, फिर आप यदि कोई लोकल ब्रांड का लेते हो तो फिर पता नहीं उसमें क्या चीज़ मिलावट रहता है, कार्बोडिक्सोना ऐसा कुछ कैप्सूल्स भी रहता है उसमें, जो उसमें मिलाया रहता है जिससे कि आपका बॉडी का वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, ठीक है। खैर तो बात उसको छोड़ ही दीजिए, आप कौन सा ब्रांड ले रहे हो। दूसरा बात ये है कि आप कोई भी अच्छा ब्रांड का भी आप मास्क ना यदि कुछ लेते हो तो क्या, सबसे पहले सपोज आपका, मैंने पहले बताया कि आपका बॉडी का जो मेंटेनेंस कैलोरी रहता है, सपोज आपका 2000 आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, एंड आप सपोज 1500 कैलोरी आप लेते हो थ्रू डाइट आप 1500 कैलोरी या 1600 लेते हो, तो जो आप जैसे अभी ऑन का जो सीरियस मास आता है उसमें 1080 आपका ये है, मतलब कैलोरी उसको मिल रहा है डेली सर्विंग में, यदि पूरा आप लेते हो तो आपको 1080 कैलोरीज मिलता है।
तो 1600 है, फिर आपको 1000 बढ़ा दीजिए। आप नॉर्मल जो डाइट ले रहे हैं 1600 ले रहे हैं, 1000 बढ़ा दीजिए तो आपका लगभग 2600 होगी। मीन्स आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना, 2600 ज़्यादा ले रहे, तो मीन्स आपका बॉडी वेट गेन होगा आपका। ठीक है, आपका तो वेट गेन उसमें हो रहा है। फिर आप जैसे आपका वेट गेन हो रहा है, फिर आप उसको छोड़ दिए, सडन आप उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो फिर आपका डाइट कितना आ रहा है? आप जैसे आपका वेट बढ़ा तो आपका तो मेंटेनेंस कैलोरी तो बढ़ रहा है। आपका जैसे वेट बढ़ रहा है तो आपके साथ में तो मेंटेनेंस कैलोरी बढ़ रहा है, तब तो जाकर आपका मेंटेनेंस कैलोरी तो 2200-2300 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, फिर जैसे जैसे आप मीन्स उसको लेना छोड़ दिए, तो आपका क्या मेंटेनेंस कैलोरी घट गया। आपका मेंटेनेंस कैलोरी घटा मतलब कि आपका मीन्स आप जो कैलोरी ले रहे हो अंदर इनटेक कर रहे हो वो भी तो घट गया आपका। फिर आप फिर 1500-1600 ले रहे हैं, आप मेंटेनेंस कैलोरी कितना 2300, तो आप तो फिर कट में चल जा रहे हैं। आपका बॉडी ऑटोमेटिक तो फिर आस्ते आस्ते वेट लूज करने लगेगा। भाई लोग सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट लेके वेट गेन कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो सप्लीमेंट वो ले रहे हैं उससे तो उनका कैलोरी ज़्यादा मिल रहा है। तो आप यदि सप्लीमेंट ले रहे हो तो इसको छोड़ रहे हो, तो उसको आप घर में उतना जो कैलोरी जहाँ से आप ले रहे थे, जहाँ से आप उतना कैलोरी ले रहे थे उतना कैलोरी घर से लीजिए। रोटी, चावल, अंडा, चिकन, दूध, वहाँ से आप उतना कैलोरी अब यदि लेते हो, यदि आपका 1600 जो नॉर्मल खाना खा रहे, फिर एडिशनली जब घर में खा के यदि आप उतना 1000 कैलोरी ले रहे हो जितना आपको ऑन सीरियस मास करने से आपको मिल रहा था, तो फिर क्या होगा आपको? आपको 1000 फिर मिल जाए तो आपका बॉडी लूज़ नहीं करेगा, आपका बॉडी लूज़ नहीं करेगा। तो आप लोग के बहुत ही ख़राब मीन सोच है कि हमने मास करने लिया फिर हमारा वेट फिर घट गया। वो मास करने का कुछ गलती नहीं है, वो ठीक है, वो तो एडिशनल आपको कैलोरी दे रहा, जैसे आप कैलोरी दे रहे थे आपका बॉडी सरप्लस में जा रहा था, फिर आप वेट गेन कर रहे थे, लेकिन आप जब अचानक उसको छोड़ दे रहे थे तो फिर आपका क्या 1000 कैलोरी डाउन हो गया। अब शरीर भी तो बड़ा हो गया था, उसको भी तो खाना भी तो ऐसे चाहिए होगा, शरीर भी तो साथ में बड़ा हो गया, तो फिर क्या आपका आस्ते 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 फिर आपका वेट डाउन होता जा गया, बिकॉज आप तो मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हैं। अब मेंटेनेंस कैलोरी से भी कम खा रहे तो क्या होगा, बॉडी ऑटोमेटिक आपका आस्ते आस्ते फिर पहले ऐसा हो जाएगा। लेकिन साथ में ये भी है कि मार्केट में डुप्लीकेसी भी बढ़ गया है, बहुत सारा डुप्लीकेट चीज़ मिलने स्टार्ट हो गई, जिससे कि आप यदि 15 दिन में कोई सप्लीमेंट खा रहा है तो उसका ऐसे में मैंने बंदा देखा हुआ है कि मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा कि 15 दिन आपका सप्लीमेंट मीन्स वो मास्क ने यूज़ किया उसका 10 किलो वेट गेन हो गया। तो ये कहाँ से पॉसिबल कि 15 दिन में किसी का 10 किलो वेट गेन हो जाएगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो उसमें क्या था सप्लीमेंट में ऐसा कि 10 किलो उसका गेन हो गया? आप लीजिए सप्लीमेंट अच्छा ब्रांड के लिए, जो रिनाउंड ब्रांड है, ऐसा कोई भी लोकल कंपनी जो मार्केट में ऐसा कि फेक सप्लीमेंट स्टोर रहता है जहाँ पे आपको हर चीज़ फेक मिल रहा है, डुप्लीकेसी इंडियन मार्केट वो ज़्यादा है। तो आप लीजिए, आप उसका बारकोड चेक कीजिए, आप उसका होलोग्राम चेक कीजिए, वहाँ से आपको चेक करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ उठा ले रहे हो शरीर में डाल रहे हो, भगवान का दिया शरीर है भाई, भगवान का दिया शरीर है, इसके साथ ही आप छेड़छाड़ करोगे तो बहुत ज़्यादा खराब होगा। बॉडी में थोड़ा WBC बढ़ जाता है, घट जाता है तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, मीन्स उसको फिर ठीक नहीं किया जा सकता। तो आप एक मीन्स भगवान के दिया शरीर से मत खेलिए, लेना तो रिनाउंड फूड सप्लीमेंट लीजिए, उससे अच्छा तो हॉर्लिक्स है। आप हॉर्लिक्स के दिया दिन में 4 टाइम यदि उसको शरीर में लेते तो फिर भी आपका शरीर बहुत अच्छा खिलेगा उसमें। लेकिन आप सही चीज़ लीजिए, बॉडी में ऐसा कुछ मत डालिए, भले इसका रिजल्ट नहीं आता, लेट से रिजल्ट आता उसका, रिजल्ट उसका लेट से आता, लेकिन आपको जो रिजल्ट आएगा सॉलिड आएगा। और ये सप्लीमेंट आप यदि कोई अच्छा ब्रांड का ही ले रहे हैं, यदि आप सोचिए मसल ले रहे हैं, ऑन का ले रहे हैं, कुछ भी जो अच्छा ब्रांड है उसका सप्लीमेंट ले रहे हैं, फिर आपका वेट गेन हो रहा है, तो ये सोचिएगा कि आप उसमें जितना कैलोरी जो है आप उसको जब छोड़ने के बाद जितना कैलोरी आप वहाँ से सप्लीमेंट से ले रहे थे, रोटी चावल, इससे एक्स्ट्रा थोड़ा खाना स्टार्ट कीजिए। पहले जो आप खाना खा रहे थे यदि 4 रोटी खाते तो उसको 8 कर दीजिए, यदि आप 1 टाइम चावल खाते तो 2 टाइम खाइए, आप यदि 2 अंडा खाते तो 5 अंडा खाइए, तब क्या हो जाएगा, जो आप सप्लीमेंट का जो भरपाई है आप कर दे, आपका वेट जितना बढ़ा हुआ है सप्लीमेंट लेने से आपका क्या होता है कि आपको कम टाइम में क्या 2-3 चम्मच आपने डाल दिया, घटक दिया, पेट भर गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 5 टाइम खाना भी थोड़ा दिक्कत रहता है, भोजन के जो खा नहीं पाते या बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई पढ़ाई में बिजी रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनको उतना टाइम खाना खाने नहीं मिलता। तो इसीलिए ये मील रिप्लेसमेंट है, जो सप्लीमेंट्स जो है मास गेन एक वन टाइप ऑफ मील रिप्लेसमेंट है। बट यू शुड ट्राई दैट यू आर टेकिंग द फूड इन द प्रॉपर फॉर्म, आपको सही तरह से आपको अपना खाना लेना चाहिए। खाना यदि आप सही 5-6 टाइम यदि खाना खा रहे हैं, आपको कोई ऐसा मास गेन का जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं ले पा रहे हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट मास गेनर्स। ठीक है, सो दोस्तों आप ये चीज़ से मत घबराएं कि मैंने
सप्लीमेंट छोड़ दिया, मेरा वेट घट गया। आप इसीलिए आपका वेट घट गया बिकॉज आप कैलरी जितना मेंटेन कर रही है उससे आप कम कैलरी ले रहे हो, इसीलिए आपका वेट घट गया वहाँ पे। सो यदि जब आप उसको छोड़ रहे हैं तो थोड़ा अपना खाना को बढ़ा दें, जो पहले आप जो खाना खा रहे थे उसको बढ़ा दें। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यार, आप सब्सक्राइब करते तो मुझे मोटिवेशन मिलते, मैंने आपको बार बार यही चीज़ कहा हुआ है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल पीस, बाय, टेक केयर।